देहरादून दिल्ली हाईवे पर पुलिस और आर्मी के जवानों के बीच पहले जमकर बहस हुई। इस मामला बढ़ा, हाथापाई की नौबत आ गई। यहाँ पूरा विवाद गाड़ी टकराने को लेकर शुरू हुआ था। वहीं कुछ स्थानीय लोग भी आर्मी जवानों के समर्थन में खड़े हो गए थे। ऐसे में करीब आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया, बीच सड़क पर जाम लग गया। ये पूरा विवाद रुड़की के गंग नहर देहरादून दिल्ली हाईवे पर हुआ था और सामान से भरा हुआ आदमी का ट्रक था दरोगा की गाड़ी से टकरा गया था। आरोप है कि वो कोर्ट से आ रहे थे, तभी पीछे से आ रहे आर्मी के ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी कार का टायर भी फट गया। लेकिन टक्कर मारने के बाद ड्राइवर रुकने को तैयार नहीं था। वही पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे आर्मी के ट्रक को रोक दिया। ऐसे में सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों के बीच उसी को लेकर काफी देर तक हंगामा हो गया। देखो ये आर्मी की गाड़ी आ रही थी इधर से और ये पीछे से साहब भी आ रहे थे, ये पुलिस वाले इनकी गाड़ी साइड से टच हुई है, एक्सीडेंट हो भी जाता है। इनको पुलिस वालों को मानना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। आर्मी वाले लेट हो रहे हैं, बहुत देर से लेट हो रहे हैं आर्मी वाले, ठीक है। पब्लिक भी आर्मी के साथ है और ये बहुत देर से पुलिस वालों को समझा रही है जाने तो जानो। ये लोग नहीं मान रहे, गाड़ी के सामने आ रहे हैं। हल्की सी गाड़ी टच हुई दोनों की, आर्मी की और पुलिस की। मैं कोर्ट से आ रहा था रिमांड लेके, जैसे मैं यहाँ आया तो आर्मी की गाड़ी ने मेरे को जो है पीछे से टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया और साइड में भी लग गई। तो मैंने जैसे उनको रोका तो उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और गाड़ी जो है रोकी नहीं, जबरदस्ती जो है गाड़ी लेके चले गए और हमें धक्के देकर जो है किनारे कर दिया। अच्छा, इस दौरान पब्लिक भी इकट्ठी हुई है? हाँ, पब्लिक के भी कुछ शरारती लड़के थे, दो एक दो लड़के हैं, इनके द्वारा भी बदतमीजी की गई। सर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे?